हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि बाबर आजम पे होने वाली है और काफी ज्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। तो टाइटल काफी शॉर्ट है, पहले टाइटल सुन लो फिर एक्सप्लेन कर। टाइटल काफी ज्यादा शॉर्ट और स्वीट होने वाला है गाइस। सो द टाइटल इज गर्ल्स फैंस ऑफ बाबर आजम। सो गाइस, अभी हमने कल ही वीडियो बनाई थी कि नसीम शाह की फैन फॉलोइंग इन न्यूजीलैंड एंड नाउ वी हैव फैन फॉलोइंग ऑफ बाबर आजम एज वेल। एग्जैक्टली गाइस, तो अभी फटाफट से देखते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन सी लड़कियां होने वाली है, पर्टिकुलरली जो बाबर आजम की काफी ज्यादा फैन। एग्जैक्टली गाइज, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो सो गाइज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। और अभी फटाफट से देखते हैं बाबर की क्रेजी गर्ल फैन फॉलोइंग गाइज। यस गाइज, और देखते हैं कौन सी कंट्री में इंटरव्यू। पाकिस्तान की जीत के बाद शाइकिन जश्न मना रहे हैं और कुछ अनकंट्रोल्ड साथी हमारे साथ हैं। उनसे जान के कैसा लगा, कैसा लगा पाकिस्तान की जीत? वही है। आपको किसका खेल आपको ज्यादा अच्छा लगा? बाबर आजम। ओके, आफ्टर द मैच लग रहा है काफी ज्यादा। लास्ट कपल ओवर्स, यू आर राइट, द कॉन्फिडेंस इन इट। आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत पाएगा? जी, आई ऑलवेज हैव ट्रस्ट इन माय कंट्री। या ऑलवेज, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं किसका खेल आपको अच्छा लगा? बाबर आजम। एंड यू लाइक द मैच टुडे? पाकिस्तानी फैंस हैं जो बहुत पुरजोश है पाकिस्तान की जीत के साथ आज। और किसका आपको कैसी उम्मीद लग रही है पाकिस्तान की? अब न्यूजीलैंड को हराया पाकिस्तान ने, नो कमेंट। पाकिस्तान प्रीटी वेल है। ये पाकिस्तान Yeah, well deserved. Good finish. Pakistan! आपको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से क्या उम्मीद है? I think they're going to win. Well, that's okay. Inshallah. Yeah, they're a really good team. They're coming back stronger than they were. New Zealand se ja rahe hain India Pakistan ka match dekhne? Yeah, obviously. Oh, really? Yeah. Always. Yeah, I'm going to go to Melbourne. It's good tomorrow. अच्छा, बाबर के अलावा किस बॉलर का खेल अच्छा लगा आपको? नो, ही डिडंट इवन प्ले। और हारिस, हारिस ने एक ओवर में 3 विकेट ली। ओह या या, हारिस रूफ, या ही प्लेड रियली गुड, बट आई वाज गेटिंग फूड व्हेन ही गॉट ऑल द विकेट्स, सो आई कुडंट सी एनीथिंग। दे ऑल प्लेड वेल, बट आई स्टिल नो दैट ही प्लेड गुड। थैंक यू। ओके गाइज, दैट वॉज द वीडियो। काफी ही शॉर्ट सी वीडियो थी और इसमें गाइज डिफरेंस ये था कि ये आफ्टर द मैच का रिएक्शन था और पार्टी बदल ली है सारी लड़कियों ने, नाउ देयर टीम बाबर। एग्जैक्टली, और गाइज वैसे तो हमें पता है कि बाबर आजम ने कितना अच्छा खेला था जब ये सेकंड या फिर फर्स्ट मैच की वीडियो उसके बाद का है, क्योंकि जो ये वीडियो काफी पहले की है। नहीं, काफी पहले, मतलब 2 दिन पहले की है। हाँ, तो गाइज, बट जो लड़कियां सेम नसीम शाह वाले में थी उसमें 2 लड़कियां थी ऑलरेडी जो उस वीडियो में बोल रही थी कि अब हम बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बट आई गेस डिफरेंस ये है कि नसीम शाह ने खेला नहीं था ये वाला मैच। हाँ, तो उन्होंने एक्चुअली जब देखा कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उनको बाबर आजम बहुत ही पसंद आ गया, बिकॉज ऑब्वियसली सच अ ग्रेट प्लेयर गाइज। यस, और गाइज आगे भी काफी ज्यादा मैचेस आने वाले हैं एंड वी आर सुपर एक्साइटेड, और रिएक्ट करने में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी ये वीडियो काफी शॉर्ट थी तो हम उतना बेटर और उतना अच्छा रिएक्शन दे नहीं पाया आप लोगों को। एग्जैक्टली गाइज, बट वी काइंड ऑफ होप कि और हमें फैन इंटरेक्शन मिलते क्रिकेटर्स के, ताकि हम और रिएक्ट कर पाते। Exactly. और हम देख पाते कि बेसिकली जैसे कल वो लड़की कह रही थी कि नसीम शाह वॉज वेरी स्वीट और उन्होंने हमारे साथ ऐसे पिक्चर्स दी। Exactly. तो वी विश कि हमें उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग वगैरह देखने को मिलती कि हम एक्चुअली देख पाते थे कि जो क्रिकेटर्स है कैसे अपने इंटरनेशनल फैंस के साथ यू नो इंटरैक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो गाइज काफी शॉर्ट वीडियो थी। आप हमें और वीडियो सजेस्ट करो जो थोड़ी लॉन्ग और थोड़ी मतलब और ज्यादा एंटरटेनिंग हो। तो गाइज दैट वाज आवर रिएक्शन। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड लाइक सब्सक्राइब। बाय।